खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने के लिए 281 करोड़ की परियोजना एक बार फिर से शुरू की गई। आपको बता दें कि ये परियोजना बीच में बजट के अभाव के चलते बंद की गई थी, जिसे लोगों में काफी निराशा भी थी। इसी के चलते RUIDP की ओर से इसे एक बार फिर से शुरू किया गया। पेयजल परियोजना का कार्य दोबारा युद्ध स्तर से शुरू किया गया और गौरतलब है कि हनुमानगढ़ के लोग सोरा युक्त पानी पीने को मजबूर थे, जिसे लोगों को कई बीमारियों का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में सरकार ने 281 करोड़ की परियोजना एक बार फिर से यहां शुरू कर बड़ी सौगात दी। इस परियोजना के तहत शहर के लोगों को 24 घंटे शुद्ध पेयजल प्राप्त होगा। हालांकि इस परियोजना को सुचारू रूप से शुरू करवाने के लिए अधिकारियों ने 2 साल का वक्त मांगा है। इसमें ठीक है, मैं मानता हूँ कि थोड़ा डिले हुआ है, ठीक है, मैं कारण नहीं गिनाना चाहता हूँ इस समय। हम तो पूरा प्रयास यही करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर और PIO मिल के इस परियोजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे और जनताओं की जो अपेक्षाएं हैं उस अपेक्षाओं पे हम पूरा खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी तक ठीक है कुछ बात रह गई है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ नहीं कर पाया है या नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, हम जो हमारा जो समय गया है उस समय को हम पूरा कवर करेंगे। और हमारा जो टाइम पीरियड दिया हुआ है 30 मंथ का जो टाइम दिया हुआ ना, तो जो टाइम चला गया वो तो मैं नहीं गिनाना चाहता हूँ, किसकी वजह से हुआ क्या नहीं है उसका कोई मतलब भी नहीं है। परंतु अब जो हमारे पास जो टाइम बचा हुआ है उस टाइम का हम सदुपयोग करते हुए जो